सो हेलो एवरी वन, दिस इज़ मानस झा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो एज यू नो, सब जानते हो कि मैं कॉलेज में था, अभी मैं घर आया हूँ। तो घर आते ही मैं बिहार में रहता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो बाबा की नगरी है झारखंड में बाबा धाम, मैं विद फैमिली गया हुआ था। तो वहाँ तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो एक होता है छोटा छोटा क्लिप करके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आई होप आप सभी लोग पसंद करें और जो भी हो उसे प्यार दें। और इसमें हम तीन ही लोग गए हुए थे, अपने फैमिली में जो है वही गए हुए थे बस। तो अभी मैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद अभी मैं घर आ चुका हूँ और इसको अभी मैं एडिट करके डाल रहा हूँ। तो आप लोग इसे प्लीज़ देखिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा लाइक कीजिएगा। और जो भी है इसे मैं डाल रहा हूँ और इसका एक मैं दो तीन पार्ट में डाल दूंगा, क्योंकि गाइस छोटा छोटा पार्ट है तो उसको वो एक साथ डालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो छोटा छोटा पार्ट में 5 मिनट 7 मिनट का डाल दे रहा हूँ तीन। तो चलो आप लोग वीडियो देखो, इसके आगे मैं लगा दे रहा हूँ। और कैसा कैसा ट्रिप है गाइस, मैं घर जैसे बिहार में जो मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ फारबिसगंज, यहाँ से मैं निकल के पहले सुल्तानगंज जाते हैं। सभी सुल्तानगंज में क्या होता है ना, हम लोग जल भरते हैं, जो गंगा जी है वहाँ पे, वहाँ से जल भर के बाबा धाम जाते हैं। वहाँ बाबा धाम जाके वहाँ जल हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को। उसके बाद वहाँ पे हम लोग रात को रुके भी, उसके बाद अगले दिन हम लोग बासुकीनाथ होता है जो वहाँ भी जाया जाता है, वहाँ पे फिर हम लोगों ने जल चढ़ाया। टोटल 2 दिनों का ट्रिप था। तो उसके बाद हम घर आए थे, रात हुई यहाँ। तो देखो आप लोग, आई होप पसंद करोगे। चलो तो फिर मैं वीडियो डाल रहा हूँ आगे, चलो मिलता हूँ फिर ये ट्रिप उसके बाद मैं कहीं अगर कुछ करता हूँ तो वो आपको दिखाता हूँ। अब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय। सो हेलो गाइस, अभी मैं महादेव की नगरी बाबा धाम में हूँ। तो बाबा धाम घूमने आया था, जो कि झारखंड के एक खूबसूरत जगह में बसा है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी रस रहता है यहाँ, और 12 महीने में यहाँ पे रस रहता है। तो काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ अभी हम लोग मॉर्निंग में ही आ गए थे सुल्तानगंज में, जो हम लोग गंगा जल लेकर के यहाँ पे आके पूजा वगैरह सब कर लिए थे। और उसके बाद अभी हम लोग फ्री होके जस्ट बाहर से घूम के ही आए, तो सोचा एक छोटा सा अपडेट दूँ आप लोगों को, पता है जाए यहाँ क्या सीन है, कैसे क्या होता है। तो अभी मैं अपने आज के लिए जो होटल लिया हूँ उसके बालकनी में बैठा हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, लोग यहीं से गंगा जल भरते हैं और माना जाता है कि जो ये सामने पानी है ये कभी नहीं सूखता है, माना जाता नहीं, ये सच्चाई है और ऐसा देखने को भी मिला है।
और जस्ट मेरे होटल के पीछे ही मंदिर है जहाँ पे भगवान को जल चढ़ाया जाता है। और आपको ये स्ट्रीट दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है ये देखो। तो अभी तो हम लोग की पूजा हो गई है गाइस, बट यहाँ से लोग गंगा जल भरते हैं और पीछे जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करते हैं। मॉर्निंग में 3 बजे से भीड़ लगना चालू हो जाता है, तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा से पूजा सब कुछ हो चुका है और हम लोगों ने आज यहीं स्टे करने का सोचा और यहाँ पे होटल लेके अभी रेस्ट कर रहा हूँ। अब तो हो सकता है थोड़ी देर बाद बाहर भी ले जाऊँगा और दिखाऊँगा यहाँ क्या सीन है, कैसे क्या होता है। तो फिलहाल चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से, मैं जब नीचे जाता हूँ तो आप लोग को दिखाता हूँ। चलो ठीक है, बाय। तो गाइस जो था मैं जो अंदर हम लोगों ने पूजा किया उसका हम लोग वीडियो अटैच कर देंगे। वहाँ देखना आप लोग कितना भीड़ था वहाँ पे गाइस, वहाँ पे इतने लोग आते हैं, लगभग हम लोगों को 2 घंटे लग गए जो मेन दर्शन भगवान होते हैं वहाँ के, जो अंदर जाने के लिए टेम्पल में वहाँ दर्शन करने के लिए 2 घंटे लग गए। तो वो वीडियो मैं अटैच कर दूँगा, बाकी अभी आपको मिलता होगा। यार नीचे का जो व्यू है ना यार काफ़ी अच्छा है, ये देखो। चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से।